कबीर खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। कबीर कमाई अपनी कब होना निसफल जाए, चाहे सात समुद्र आड़ा फिरे फिर भी मिले अगाड़ी आई। सबको ज्ञात होना चाहिए, देवी देवता की पूजा खूब करें, खूब नहाने जाए, तीर्थ करें, सब कुछ करें, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया उस देवी देवताओं को ना भूल जाए, क्योंकि देवी देवताओं के जो पत्थर की मूर्ति है उसे हमने नहीं देखा कि वो प्रकट होकर के कभी हमको दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज हमारे बीच में जिनकी बदौलत हम इस संसार में है का निरादर न करें। इसी बात को आगे संत ने लिखा, मात तारा पगल्या पूजो जिसने तुमको जन्म दिया, तरवण जैसा लाल पड़ोर भाई जिसका अमर नाम हुआ, मात पितारा जैसा लाल पड़ोर भाई जिसका अमर नाम हुआ, कर लो सेवा पावो मेवा, कर लो सेवा पावो मेवा, जन्म सफल हुई जावे लो, चेत सके तो चेत मानवी रीतो ही रह जावे लो, चेत सके तो Thank you.
सभी महापुरुष हम सबको जगा रहे हैं, परंतु इंसान गलत संगतियों में, गलत खान पान में, गलत मित्रता में उलझ करके सब गलत कर जाता है, पूरा जीवन ही नहीं समझ पाता है, परंतु बाद में जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि पूरा जीवन ही ऐसे बर्बाद कर दिया। ना कोई गुरु की संगत गया, ना कोई भलाई का काम किया, ना कोई पुण्य किया। इसीलिए आगे कहा, बालपनो हंस खेल कमायो जो मन ऐसे आराम करे, बुढ़ापा में हुवो रोग लो खींच खींच ने पाम धरे, बालपनो हंस खेल कमायो जो मन ऐसे आराम करे, बुढ़ापा में हुयो रोग से खींच खींच ने पाम धरे। अरे घर की नारे बोले खारी, घर की नारी बोले खारी, कद बूढ़ो मर जावे लो चेत सके तो चेत मानवी, खाली ही रह जावे लो चेत सके तो चेत मानवी, री तो ही रह जावे लो। सतगुरु दयाल की संसार स्वार्थ का है, सब अपने भलाई के बारे में सोचता है कि मेरा काम निकल जाए, मैं अच्छा कमा लूं, बाकी के बारे में कोई नहीं सोचता, चाहे वो भाई हो, परिवार के कोई भी लोग हो, अधिकतर ये देखने को मिला है। इसीलिए संत ने लिखा, स्वार्थ की है दुनियादारी, स्वार्थ का सपना ताजी, समय में जावे अकेला हंस अकेला जाता जी, स्वार्थ की है दुनियादारी, स्वार्थ का सपना ताजी, अंत समय में जावे अकेला हंस अकेला जाता जी, पूरा जीवन रुपया पैसा कमाने में हम खत्म कर देते हैं, कमाए लेकिन संत भी कहते हैं साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए, कमाए मेहनत करें, परंतु कहीं छल कपट करके मेहनत ना करें, किसी का गला काट करके मेहनत ना करें, ऐसा पैसा न कमाए कि बाद में हमको तकलीफ दे। इसीलिए आगे कहा, धनवर जो बन धनवर माया धरी लेवेली, धनवर माया धरी लेवेली, आखिर में पछतावे लो चेत सके तो चेत मानवी, री तो ही रह जावे लो चेत सके तो चेत मानवी, खाली ही रह जावे लो। राम सुमर ले सुकृत कर ले, राम सुमर ले सुकृत
कर ले आगे आड़ो आवे लो जे सके तो छे मान भी री तो ही रह जावे लो जे सके तो छे बावरा खाली ही चल जावे लो और अंत में संत समागम कर लो भाई सत्संग का फल मीठा जी संत समागम कर लो भाई सत्संग का फल मीठा जी सत्संग सत्य का संग करना सही रास्ते को चुनना जो सच्चाई का साथ देता है उसका फल हमेशा मीठा होता है ऐसा संत कह रहे हैं। खाया सोनर अमर हो गया पापी रह गया रीता जी जिसने उस फल को खाया जिसने सच्चाई का साथ दिया वो तो उसका अमर नाम हो गया। खाया है सो अमर हो गया पापी रह गया रीता जी भगत कहे मनक जमारो दास भगत कहे मनक जमारो फेर फेर नहीं आवे लो जे सके तो जे मान भी री तो ही रह जावे लो जे सके तो जे मुसाफिर खाली ही रह जावे लो। राम सुमर ने सुकरत कर तो ही रहे।